अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह पति ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह खुद ही थाने पहुंच गया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के मायके वालों का आरोप है कि अजीत के किसी अन्य महिला से संबंध थे, जिसका पत्नी राजबाला लगातार विरोध करती चली आ रही थी। इसके चलते ही अजीत ने राजबाला की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। यह वारदात मोहनपुरी स्थित बुद्ध विहार गली में हुई है। इस बारे में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये मोहनपुरी में एक परिवार रहता था, लगभग 10-12 वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था। यह पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद चलता था। अभी थोड़ी देर पहले थाना सिविल लाइन्स में एक व्यक्ति ने पहुंच के बताया कि उसने अपनी पत्नी गला घोट की हत्या करी है। तो वो फॉरेंसिक टीम और हमारी जो है वैज्ञानिक टीम मौके पर बुलाई गई और उन्होंने परीक्षण किया, जिसमें तहरीर के आते ही जो है घोषणा कार्रवाई की गई। साक्ष्य के आधार पर अभी वैधानिक कार्रवाई। सर, हत्या क्यों करी गई, क्या कारण निकला? अभी तक जो प्रथम दृष्टया पता चला है वो विवाद की बात पता चली। पति पति पत्नी को किसी बात को लेकर मतभेद रहते थे और झगड़ा होता था, उसी कारण से बताया गया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या करी है। मृत्यु का कारण जो है अभी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। उसने बताया यह है कि गला घोट के उसने अपनी पत्नी की हत्या करी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।